स्पीड ब्रेकर है बीच में, तो भी भाई का स्पीड ट्रक है, मुझे ओवरटेक करके भाई स्पीड में। भाई साहब बार बार मुझे कमेंट आता है कि सचिन भाई आपकी वैगनर कितने किलोमीटर आपकी गाड़ी चली, तो प्लीज बताओ। तो ये रहा विद प्रूफ सबूत के साथ में, 1,30,009 किलोमीटर मेरी गाड़ी चली है और पेट्रोल आज पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। तो अभी आज पेट्रोल भी भराना है, सीएनजी भी भराना है। सीएनजी तो चल जाएगा बट पेट्रोल भराना बाकी है, तो पेट्रोल भरना पड़ेगा ही आज। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मेरा नाम है सचिन और आप सबका फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में स्वागत है। तो गाइस आज निकले हम शाम को 6 बजे, जैसे कल मैंने बताया था आपको कि आज हम निकलेंगे शाम को 4 बजे, बट आके सो गया और वीडियो को एडिट करते करते गाइस काफी टाइम हो गया। तो मैंने बोला चलो निकलते आराम से, संडे का मौसम है, शाम के टाइम बिजनेस होगा, वही हिसाब से हम निकले। तो देखते हैं आज का दिन कैसा जाता है, कितना अर्निंग होता है, कितना ट्रिप हमारा कंप्लीट होता है, तो आपको आज की वीडियो में गाइस सब चीज पता चल जाएगा। तो प्लीज बने रहिए वीडियो में, वीडियो को देखिए एंड तक, और गाइस चैनल पे नहीं तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, आपका भी आपके लिए ऐसे इंटरेस्टेड लाता रहेगा। तो चलो करते आज के दिन की शुरुआत। भाई साहब ये देखो ट्रैफिक, देखो इधर से गाड़ी निकलने के लिए भी 10 बार सोचना पड़ता है, या ऐसा कंडीशन है यहाँ पे। हॉर्न बजा बजा के तो भी लोग यहाँ से हटते नहीं, बाजू से दोनों बाजू ट्रैफिक है, दोनों बाजू देखो सब पब्लिक क्राउड, देखो पब्लिक का। और ये है गाइज कल्याण स्टेशन के अपोज, कल्याण स्टेशन वाला गाइज ये रोड है। अभी जस्ट यहाँ पे पहुँचा, पहला ही राइड मैंने कम्प्लीट किया और कल्याण स्टेशन में पहुँच गया। पहले बुकिंग अच्छा मिला मुझे, सर जो मिला 1.41, उसका पैसा भी मुझे अच्छा मिला 320 रुपये। और मौसम का हाल कुछ इस तरीके से, जब शाम के लगभग गए घड़ी के अंदर मेरे अभी 7 बज रहे, तो भी मौसम देखो पूरा उजाला भी नहीं बोल सकते, अंधेरा भी नहीं बोल सकते, मतलब अभी बस सूरज ढल ही गया पूरा। और ऐसा सीन यहाँ पे है, घुसा अंदर घुसा ऑलरेडी पहले, एक तो देखो तो पब्लिक हटेगी नहीं, आप कितना भी हॉर्न मारो। अरे भाई साहब बाप रे, सोचा संडे के दिन बुकिंग अच्छा होगा, शाम को कॉन्फिडेंस था बट ठीक ठाक है लगा। पहले ही बुकिंग जो सर्च किया लगा, अगर सामने में मोबाइल के अंदर देख रहा हो गए, जो सामने का नज़ारा मुझे मोबाइल के अंदर एक अजीब ही फीलिंग दिखा रहा है, एक अजीरी बोलते ना अजीब वाइब दे रहा है मुझे, मतलब पॉजिटिव वाइब होता है वो दिख रहा है मुझे, बट सामने ऐसा नहीं दिख रहा क्योंकि मिरर के वजह से, बट कैमरे में एकदम क्लियर मुझे दिख रहा है, खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है एकदम। पहला यहाँ से निकलते बाहर, नहीं तो हॉर्न और ब्रेक दबा दबा के हाथ और पैर दोनों की सूज जाएगी, क्योंकि यहाँ की पब्लिक जल्दी सुनती है नहीं। ऑलरेडी रोड छोटा है और रोड छोटा है उसके अंदर ऑटो बाइक सब मिक्स है और उसके अंदर पब्लिक भी, पब्लिक इसमें सुनने वाले है नहीं, इसलिए हमें किसी तरीके से बाहर निकलना पड़ेगा। वो तो कहते हैं ना दिन बड़ा और रात छोटी, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद दिन अभी बड़ा है क्योंकि 7 बजने के बावजूद भी अंधेरा हुआ नहीं। आप देख सकते हो घड़ी के अंदर 7 बज गए, अभी तक अंधेरा अभी तक हुआ नहीं, अभी अंधेरा होने का चालू हो जाएगा। चलो भाई साहब यहाँ की पब्लिक है खतरनाक, मतलब जब भी कल्याण स्टेशन में आते हैं ना यही टेंशन होता है, यहाँ पे और आगे वाले मेन स्टेशन के इस तरफ से, वहाँ पे रिक्शा वाले परेशान करते हैं और यहाँ पे ये मार्केट वाले। हॉर्न बजाओ कुछ भी बजाओ कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला इनको। अभी 2 बुकिंग है, दोनों बुकिंग मैंने कैंसिल कर दिया क्योंकि मुझे वापस कल्याण स्टेशन के ऑपोजिट जाना था और 11 मिनट मुझे बता रहा था, इसलिए उस ट्रिप को मैंने लिया ही नहीं। तो गाइज मुंबई के अंदर वापस सीएनजी हो गया 80 रुपया, अब देख सकते हो पहले 86 था, अभी 80 रुपया सीएनजी हो गया वापस फिर से। सीएनजी हमारा हो गया खाली, भर लेते सीएनजी इसके अंदर, देखते हैं कितना सीएनजी इसके अंदर बैठ जाता है। तो फाइनली हमारे गाड़ी के अंदर गाइस 8 किलो सीएनजी बैठ जाता है, तो अभी देखते हैं कितना सीएनजी बैठता है इसके अंदर। ये 7 किलो ये वाला हमारा है और ऊपर प्राइस है 595 रुपीज़। ये देखो 8.25 किलो सी एन जी इसके अंदर बैठ गया, 7.44, 595 रुपीज़। गाइस आया तभी कोई नहीं था, अभी देखो कितना लाइन लग गया। और मैं अभी कलवा के अंदर हूँ, कलवा सी एन जी पम्प, कल्याण से बुकिंग लगा था गाइस मुझे,
कल्याण से गाइस बुकिंग लगा था कलवा का, तो अभी कलवा में पैसेंजर को ड्रॉप करते करते सीएनजी मेरा हो गया था खत्म, तो बोला चलो सीएनजी भर लेते हैं, और अभी यहाँ पे सीएनजी भर है। अच्छा हुआ मुंबई के अंदर 6 रुपया सीएनजी कम हो गया, और काफी फर्क पड़ता है 6 रुपया सीएनजी से। अभी समझो 8 किलो अगर मैं एक टाइम में सीएनजी भरता हूँ, तो 8 किलो के हिसाब से अगर 40-45 रुपए का भी अगर फर्क पड़ता है, मतलब पूरे दिन में हम लोग 2 बार सीएनजी भरते हैं, तो 2 बार का हमारा 100 रुपए का फर्क पड़ता है सीएनजी के अंदर। तो अभी 6 रुपया कम किया, बट पता नहीं फिर कब जाके गवर्नमेंट 6 का सीधा सीधा गैस 12 रुपए बढ़ाते, भरोसा नहीं, क्योंकि हर बार ऐसे ही होता है 4 रुपया अगर कम करते तो सामने फिर दूसरे दिन या 15 दिन के बाद सीधा सीधा 10 रुपए बढ़ा देते हैं। देखते कौन सा राइट लगता है हमें, कौन सा बुकिंग मिलता है हमें। वैसे भी आज भी संडे के दिन इतना मतलब खास नहीं है, जैसा चाहिए वैसा बुकिंग है नहीं, ठंडा माहौल चल रहा है, बारिश की ऐसे जैसा बारिश आ रहा है ठंडा ठंडा, वैसा पैसेंजर का बुकिंग भी एकदम ठंडा ठंडा आ रहा है। तो आगे जाके वेट करते हैं। कभी कभी पैसेंजर ऐसा वेटिंग पे खड़ा करके रखते ना, तो इतना गुस्सा आता है कि पूछो, बट मजबूर ऐसा हो कि अब जो बुकिंग मुझे लगा है वो सर्च का बुकिंग है, इसके लिए आप मतलब बोला चलो 3-4 मिनट खड़ा होते और देखते हैं अगर पैसेंजर आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर बुकिंग कैंसिल करके दूसरा बुकिंग हम ले लेंगे। मैं कलवा में था, कलवा से मुझे कल्याण का बुकिंग लगा, अच्छा पैसा मुझे मिला 452 समथिंग, और उसके बाद ताबड़तोप डोंबिवली कल्याण के अंदर फुल सर्च चालू था, और वहाँ से मुझे वापस सर्च मुझे मिला 5.5 किलोमीटर डोंबिवली वेस्ट का, जिसका मुझे मिला 220 रुपये, और अभी यहाँ से मुझे मिला बदलापुर, और पैसेंजर ने फ़ोन करके पहले ही बोलते, मतलब बाजू में डिस्टेंस था 2 मिनट के डिस्टेंस पे, लेकिन पैसेंजर ने फ़ोन करके पहले बोलते भाई 5 मिनट आपको रुकना पड़ेगा करके, तब तक मैं आता हूँ करके। मैंने बोला ठीक है, और ये 140 या 141 के सर्च में बुकिंग के बदलापुर का, तो लगभग मेरे ख्याल से 25-30 किलोमीटर तो हो गए आराम से, तो इसके लिए वेट कर रहा हूँ। और मैं अभी फिलहाल डोंबिवली वेस्ट में देखते, मतलब बोलते ना कभी कभी पैसेंजर का हर एक नखरा उठाना पड़ता है, नहीं तो फिर अदरवाइज अगर नॉर्मल बुकिंग तो कैंसिल मैं कर देता था और दूसरा बुकिंग सर्च का मैं उठा लेता था। अभी देखते हैं यहाँ पे डोंबिवली वेस्ट में मैं खड़ा हूँ, अभी रात के गाइस बज रहे 11:15 बज रहे, आप देख सकते हो घड़ी के अंदर। देखते हैं पैसा कमाना है काम करना है, तो कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत सहन करना ही पड़ेगा, तो इसके लिए थोड़ा वेट कर रहे हैं। बट अभी ये टेंशन कि बदलापुर का बुकिंग तो ले लिया, बट उधर से बुकिंग मिलेगा नहीं मिलेगा अभी सबसे बड़ा टेंशन। ठीक है जो भी है देखेंगे, जो भी है, क्योंकि संडे मैंने जैसे बताया था आपको, कॉन्फिडेंस था मुझे कि संडे के दिन शाम को बिजनेस खुलता है करके, मिलता है करके, और यहाँ पे डोंबिवली बदलापुर अंबरनाथ यहाँ पे तो रात को मिलना ही मिलना है करके। अभी यहाँ पे वेट कर रहे हैं हम लोग, है अभी यहाँ पे फिलहाल देखते हैं अभी ऐसे कौन सा है बुकिंग, और 5 मिनट वेट करते, नहीं तो पता चला पैसेंजर नहीं आ रहा तो पैसेंजर का ट्रिप कर देंगे कैंसिल और ले लेंगे हम दूसरा ट्रिप, और देखेंगे कोई ना कोई तो बुकिंग मिल ही जाएगा, और अच्छा खासा सर्च में मिलना चाहिए, बस ये टेंशन है और कुछ है। देखते हैं वेट करते भाई साहब, ये देखो इस समय इस टाइम पे ये जगह पे कोई भी आता नहीं, आ जाते हैं इस समय पे भी। कल्याण से लगा था गाइस बुकिंग मुझे बदलापुर का, और मैंने लिया था वो बदलापुर का बुकिंग, उसका पैसा मुझे अच्छा खासा मिला, मतलब 480 रुपये कुछ तो मिला 25 किलोमीटर का सर्च में बुकिंग था मुझे, बस इधर से बुकिंग मुझे लगा है, मतलब लकीली पैसेंजर को ड्रॉप किया और इतना अंदर में आया हूँ कि पूछो मत, मुझे लगा कि जल्दी यहाँ से बुकिंग मिलेगा नहीं, और इमिडिएटली ताबड़तोप जैसे ही पैसेंजर को ड्रॉप कर रहा था तो 2 मिनट के ऊपर ही डिस्टेंस के ऊपर मुझे बुकिंग मिला जो था कल्याण का। अभी लगा है कल्याण का बुकिंग, और अंधेरा तो एकदम है, मतलब उतर के नीचे उतर के मतलब देखना भी डेंजर है ऐसे जगह पे, तो बारिश में भी आ रहे धीरे धीरे, पहले लेते हैं पैसेंजर को फिर कल्याण में मिलते हैं, मतलब कल्याण डोंबिवली ये सब जगह ठाणा, मतलब ये सब जंक्शन एरिया, मतलब वहाँ पे कोई दिक्कत आता नहीं, बट बदलापुर आउटसाइड एरिया वसई विरार भिवंडी ये सब थोड़ा जो एरिया है थोड़ा डेंजर जोन होता है, थोड़ा डेंजर जोन इन द सेंस मतलब कुछ होता नहीं, मतलब तो भी मन में डर लगता है कि नहीं यार चलो इधर से निकल जाते करके, तो वैसे ही बदलापुर है, तो आप देख सकते हो सामने रोड के ऊपर पूरी तरीके से अंधेरा, मतलब ठीक है बाइक अगर दिखा तो ठीक है, नहीं तो फिर पूरा अंधेरा, ऐसे कुछ है यहाँ पे। ठीक है अभी पहला परफेक्ट पैसेंजर को पिकअप, और मुझे लगता है मैं भी यहाँ पे पहली बार आया हूँ ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मैं इतना अंदर तक कभी आया हूँ, ये दोनों खाड़ी पहला टाइम मतलब देख मतलब यहाँ पे आया हूँ ऐसा मुझे लगता है, खाड़ी है मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पे आया हूँ पहले भी, कुलगांव शायद है यहाँ पे पता नहीं अभी रात का समय, और जैसे खाड़ी क्रॉस कर रहे तो सामने पैसेंजर का लोकेशन बता रहे, चलो करते हैं उनको फटाफट पिकअप, और मिलता बारिश भी हल्का हल्का
चालू हो गया। ये देखो अब ये रात के समय पे किसको क्या पता चलेगा इसके अंदर से, ऐसे ऐसे सब रोड है। वैसे काफी डेवलप हो गया बदलापुर, बट और भी टाइम लगेगा तो पब्लिक आना जाना, और इस टाइम पे तो कोई मिलेगा ही नहीं। इसके लिए यहाँ पे जितने भी हमारे ड्राइवर भाई है बदलापुर कल्याण अंबरनाथ इस समय बुकिंग आए तो उसको लेते ही नहीं, सीधा बोलते पहली फुर्सत में निकलो भाई, नहीं मांगते हम कोई बुकिंग। तो ऐसा कुछ सीन है, यहाँ से लेफ्ट में बुकिंग है, पैसेंजर है, चलो करते पिकअप। गाइस कंटिन्यू नॉन स्टॉप ड्राइविंग किया वो, मतलब पूरा पैर सुन हो गया, मतलब पैर अभी मतलब जमीन पर रखने के लिए भी मतलब पैर पूरा कांपेगा, कंटिन्यू नॉन स्टॉप बुकिंग गाइस किया हो। और मैं अभी भी घर पे नहीं पहुँचा हूँ, मैं अभी भी गाइस हूँ कल्याण में, आप देख सकते हो मेरे पीछे ये कल्याण खड़क पड़ा, और मैं अभी यहाँ पे जस्ट पैसेंजर को ड्रॉप किया हूँ। अभी यहाँ पे थोड़ा बहुत पैर फ्रेश करता हूँ, कंटिन्यू नॉन स्टॉप गाइस कंटिन्यू बुकिंग कंप्लीट किया, 5 से 6 ट्रिप कंप्लीट किए। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत रुकते हैं, ये देखो ये शूज और ये कंटिन्यू पेन के पूरे पैर एकदम सुन हो जाता है कंटिन्यू। तो अभी देखते हैं यहाँ पे, अभी मुझे नहीं लगता है कि गाइस यहाँ से कोई ट्रिप मुझे मिलेगा। अभी मैंने डाला है होम लोकेशन, और घड़ी में आप देख सकते हो 2:10 हो रहा है, और ये पूरा कल्याण खड़क पड़ा है, ये पूरा कल्याण खड़क पड़ा है। अभी यहाँ से देखते हैं हमें कोई बुकिंग मिलता है नहीं मिलता है, निकल पड़ते हैं क्योंकि पैर पूरी तरीके से जाम हो चुका था, कंटिन्यू नॉन स्टॉप बुकिंग पे बुकिंग कर रहा था। और अर्निंग की बात करूँ तो अर्निंग काफ़ी अच्छा हो गया, मतलब लगभग मेरे ख्याल से 2500-2600 रुपये के लगभग मेरा अर्निंग अभी तक का हुआ है। और थोड़ा बहुत संभाल लेना क्योंकि शक्ल एकदम पूरी विलन की ऐसी हो गई है, पर ठीक है, और थोड़े दिन उसके बाद में पूरा एकदम क्लीनर नीट एंड क्लीन हो जाएगा। तो अभी चलो चलते हैं, देखते हैं कौन सा बुकिंग मिलता है नहीं मिलता है। CNG भी पूरा ख़त्म हो गया, एक ही मतलब एक पॉइंट अभी भी CNG बचा है। आज पूरे दिन में CNG एक ही बार भरा था 575 रुपीज़ का, चलो यहाँ पे लाइट चालू कर देता हूँ, 575 रुपीज़ का CNG भरा था, और अभी भी एक पॉइंट CNG बचा है, आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए गाइस यहाँ पे 1 CNG भी बचा है मेरा, तो चल जाएगा। तो देखते हैं अभी होम लोकेशन का बुकिंग मिलता है नहीं मिलता है। शाम को 6 बजे गई घर से निकला था, और 6 बजे से लेके अभी तक 2700 रुपये के लगभग अर्निंग हो गया, काफ़ी मतलब कंटिन्यू नॉन स्टॉप गई बुकिंग लिए, जो ट्रिप मिला वो ट्रिप मैंने लिया और ट्रिप को कम्प्लीट कर दिया। तो अभी चलो यहाँ से निकलते ऑन द वे, देखते कौन सा बुकिंग मिलता है। भाई रात के टाइम पे ना ये जो जा रहे ना ये ट्रक वाले, इनसे तो भाई डरना ही पड़ता है, इतने गंदे तरीके से ओवरटेक करके चला गया, और इतनी स्पीड में है कि पूछो मत, हद से ज्यादा स्पीड में, भाई का स्पीड कुछ कंट्रोल होने को तैयार नहीं। और मैं खुद अभी 60 की स्पीड में हो गया, आप देख सकते हो इसके अंदर गड़े मीटर के अंदर, मतलब नॉर्मल रोड है, स्पीड ब्रेकर है बीच में, तो भी भाई का स्पीड ट्रक है, मुझे ओवरटेक करके भाई स्पीड में चला गया, मतलब खुद तो मरेगा और दूसरे को भी लेके मरेगा, ऐसे ट्रक वाले। तो इसके लिए भाई साहब इनसे दूर रहो, जितना दूर रहो, मैं तो लेफ्ट में ही था तो भी मतलब इतना सडनली गाड़ी जोर से भगा है और मैं थोड़ा हिल गया थोड़ा, क्योंकि मुझे लगा मैं अपने साइड से ही चल रहा था, बट डर लगता है इन लोगों से। इसलिए रात के समय में हम कितने भी देना तो कहीं ध्यान देना पड़ता है रात को ऐसे लोगों से, मतलब हम कितने भी अच्छे से ईमानदारी से अपनी जगह पकड़ के चलो, बट ऐसे जो गाड़ी वाले होते हैं जो ट्रक वाले होते हैं, पता नहीं आधे तो ट्रक वाले तो मुझे लगता है ये पीके ही गाड़ी चलाते, मतलब इतना सडनली आगे झुक करके चला गया 2 सेकंड के, तो मैं खुद हिल गया क्योंकि मेरी गाड़ी का भी स्पीड 60 है और मैं नॉर्मल चला रहा हूँ। तो आप सोच सकते हो लोड मतलब पूरा वो ट्रक लोड है, और लोड ट्रक कम से कम 80 के ऊपर ही वो गाड़ी भाग रहा है, मतलब उसको इतना जल्दी। तो ऐसे लोगों से संभल के ही गाड़ी चलाना पड़ता है, ठीक है, और रात को स्पेशली तो इन लोगों से, जो आपको दिखा तो किस तरीके से कभी यहाँ पे रुका हूँ मैंने इसको, यहाँ पे स्पीड भी करता है, देखिए स्पीड पे करके से और वापस गाइस भगाएगा गाड़ी। अब देखो ना पीछे उसका हेडलाइट है ना ही कुछ है, बस अपनी धुंध में चला रहा है गाड़ी और कुछ नहीं। अब उनके बाजू से जाने के लिए भी गाइस 10 बार सोचना पड़ता है। देखो ना गाइस ना पीछे हेडलाइट है ना कुछ नहीं, ना सिग्नल लाइट कुछ भी चालू नहीं है भाई साहब का, मुझे तो नंबर भी नहीं दिख रहा है कि भाई साहब का नंबर कहाँ पे है करके, नंबर भी मुझे गाइस गाड़ी का नहीं दिख रहा है, बस खुद तो मरेगा और दूसरे को भी ये लोग मारेंगे। ऐसे लोगों से सावधान रहना, कुछ नहीं दिख रहा है गाड़ी का, ना हेडलाइट ना सिग्नल लाइट ना पार्किंग लाइट ना गाड़ी का नंबर, और अपने हिसाब से भागते जा रहे। देखो तो
ये बहुत डेंजरस काम है इन लोगों के रात के टाइम पे, तो संभाल के रहना गाइस। कल जैसी हालत नहीं होनी चाहिए इसके लिए गाइस मैं उधर से निकल गया घर पे, ना ही कोई मुझे बुकिंग मिला। आप देख सकते हो घड़ी के अंदर 2:45 बज रहे घड़ी के अंदर, तो मैंने सोचा चलो चलते हैं घर पे निकलते हैं। तो अभी बस जस्ट घर पे पहुँचाऊँ।